सुप्रभात बच्चों, हम आपको आज हिंदी सुलेख कैसे लिखेंगे वो हम सिखाएंगे और हम ब्लैक बोर्ड पे सिखाएंगे। आप उसी तरह से आप अपने किताब में लिखेंगे। ये आपकी किताब है, आपको दिख रहा होगा, ये आपकी किताब है और हम किस तरह से लिखेंगे वो आप देखेंगे वीडियो में और आप उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप पेज नंबर 5 निकालेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी टेक आउट योर पेज नंबर 5। अब आप देखेंगे कि किस तरह से लिखना। पेज नंबर 5 में आपको दिख रहा होगा, यहाँ है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग से कुछ नहीं। उसी तरह से फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से क। क दिख रहा है आपको कि हम किस तरह से लिख रहे हैं क। उसके नीचे से फिर हम लिखेंगे ख, ये भी आपको दिख रहा है कि ख हम किस तरह से लिख रहे हैं। उसके नीचे हम लिखेंगे ग, ये भी आपको दिख रहा है कि ग हम किस तरह से लिखे हैं, ठीक है। ग के बाद हम लिख रहे हैं घ। आप देख रहे हैं कि घ हम किस प्रकार से लिखे हैं, घ देख लिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अंग। आपकी किताब में जिस प्रकार की पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ मैंने बोर्ड पे दिया, यानी कि श्याम पट पर दे के मैं आपको बता रही हूँ कि सुलेख किस प्रकार से लिखेंगे और लिखने के साथ साथ हम पढ़ेंगे भी, जिससे हमें वर्णों का ज्ञान हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं। अब हम क लिखना सिखाए आपको, ख लिखना सिखाए, ग घ अंग। आप अपने किताब में इस प्रकार से सी डब्ल्यू लिखेंगे और यहाँ पे आके आप अपने किताब में डेट देंगे। टुडे इज 13/6/20 इस प्रकार से देंगे और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो क ख ग घ लिखना सिखाए हैं इसी प्रकार से आपकी किताब में दिया हुआ है, उसी पंक्तियाँ में जिस पंक्तियाँ में जिस वर्ण को लिखना है आप उसी पंक्तियाँ में लिखेंगे। एक दिन में एक पेज ही लिखेंगे। और क के बाद यहाँ पे डॉट डॉट प्रथम लाइन में डॉट डॉट दिया हुआ है जिसमें आपको पेंसिल के माध्यम से हाथ चलाना है ऐसे क। फिर इसी लाइन में भी डॉट डॉट ऐसे ऐसे दिया हुआ है जिस पर आपको पेंसिल के माध्यम से हाथ चलाना है क। देख लिए। फिर से आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, यहाँ पे पेंसिल के माध्यम से हाथ चलाना है क। फिर से आपको यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है आपके किताब में पेंसिल के माध्यम से हाथ चलाना। जिस प्रकार से क में हम हाथ चलाए हैं पेंसिल के माध्यम से प्रथम पंक्ति में, उसी प्रकार से हम ख में भी प्रथम पंक्ति में पेंसिल के माध्यम से हाथ चलाएंगे। ग में भी, घ में भी, अंग में नहीं चलाना है, ठीक है, घ तक है। अब अंग में खुद से लिखना है। अब ख को भी वही करेंगे। ख को भी पंक्ति दी हुई है इस प्रकार की, देखिए ख लिखना है, डॉट दिया हुआ है जिसमें आपको हाथ चलाना है और इस प्रकार से लिखना है। आप देख रहे होंगे ना तो आपको पता चल रहा होगा कि हम ख को किस प्रकार लिखेंगे। ध्यान देंगे ख के लेटर को इस तरह से ले जाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे। इस प्रकार से ग को भी हम लिखेंगे। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ग को भी मैंने किस तरह से लिखा है ग। उसी प्रकार से आप घ को भी लिखेंगे घ, ठीक है, दिख रहा है आपको घ लिखे। उसी प्रकार से हम अंग को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने किस प्रकार से लिखा, देखिए इसी प्रकार से आप लिखेंगे। आज हम आपको पेज नंबर 5 बताए हैं, लिखना सीखा है। दूसरे वीडियो में पेज नंबर 6 बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सुंदर से, साफ से
अपने किताब में लिखेंगे। धन्यवाद।